हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे सामने Hyundai Venue का S वेरिएंट जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है क्योंकि ये सेकंड बेस है, इसके नीचे E आता है, उसके ही ऊपर ये अपना S वेरिएंट बैठता है। तो आज हम यही देखेंगे कि S वेरिएंट में आपको क्या सब मिलता है और क्या सब नहीं मिलता। सबसे पहले कार की अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो ऐसी कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाती है। न्यू Venue की न्यू ग्रिल आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़िया लग रही है। न्यू Venue बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक से लुक निकल के आ रही है। S वेरिएंट में आपको इधर से हैलोजन बल्ब मिल जाता है इंडिकेटर के लिए, और ऐसी कुछ आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती है हाई बीम एंड लो बीम के लिए। कार में आपको कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलता, खैर वो तो अब न्यू Venue में आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता। तो ये आपको फुल ग्लॉसी ब्लैक सराउंड में ओवरऑल डिज़ाइन मिल जाता है विथ क्रोम इंसर्ट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्पेशली जो Hyundai का लोगो है ये भी पहले से बड़ा हो चुका है, और नीचे आपको ऐसी कुछ स्किड प्लेट देखने को मिलती है। अभी मैं आपको इसका इंजन बे दिखा देता हूँ। तो ये हो गया इसका पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 83 bhp ऑफ पावर, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 130 न्यूटन मीटर्स। खैर परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ी सी आपको अंडर पावर ही लगेगी, बट आपको माइलेज बढ़िया इसमें मिल जाएगी। और ऐसे कुछ आपको मिलती है बॉनेट, कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं है क्योंकि Hyundai का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड रहता है। साइड लुकिंग आपको कुछ ऐसी मिल जाती है Hyundai Venue की। एक सेकंड, मैंने आपको चाबी नहीं दिखाया क्योंकि इस कार में पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं आता, तो हेडलाइट जलाने के लिए चाबी मेरे को अंदर रखना पड़ेगा। चाबी आपको ऐसी मिलती है नॉर्मल Hyundai में जो आती है लॉक अनलॉक, और इसे आप बूट खोल सकते हो। इधर क्रोम मिलता है और इस साइड आपको मिल जाता है Hyundai का लोगो। सर यही थी चाबी, और साइड लुकिंग आपको ऐसी मिल जाती है, देख सकते हो। एक गंदी चीज़ मेरे को लगी कि इंडिकेटर फेंडर पे दे दिया, इसको अगर यहाँ पे दे देते तो मज़ा आ जाता, बट खैर कोई दिक्कत नहीं है। आपको बॉडी क्लैडिंग फुल यहाँ से यहाँ तक मिलती है क्योंकि ये अपना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ऐसे आपको व्हील कवर मिलती है, और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/65 R15 15 इंच का आपको इसमें टायर देखने को मिल जाते हैं। कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता क्योंकि इस कार में आपको वो चीज़ कोई स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता, कीलेस एंट्री आपको देखने को नहीं मिलता। आपको ऐसी कुछ डिज़ाइन मिल जाती है, ऊपर शार्क फिन एंटेना हो गया अपना सिल्वर कलर में, रूफ रेल्स भी आपको देखने को मिल जाता है, बट कोई सनरूफ नहीं मिलता, वो आपको जस्ट बिल्कुल टॉप मॉडल्स में ही देखने को मिलता है। एंड जो इसका ए पिलर है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं पीछे के लुक से। पीछे सबसे ज़्यादा मेरे को बढ़िया लग रही है कार की टेल लैंप्स, देख सकते हो। जो यहाँ पे आपको बेशक हैलोजन लाइट्स मिलती है, बट जो टॉप मॉडल है उनकी लुक कुछ अलग ही निकल के आती है, उसमें फुल LED आता है। इधर भी आप देख सकते हो ऐसी कुछ आपको डिज़ाइन मिलती है फुल ग्लॉस ब्लैक सराउंड में, और ऐसी कुछ आ रही है। इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन ही मिल रही है, और इधर अपना रिवर्स लाइट हो गया, और ये अपना इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, और यहाँ से आपको फुल ब्लैक एक मैट ब्लैक में फिनिश मिल रहा है। Venue आप देख सकते हो, और ये अपना कनेक्टेड लाइट्स का भी आप इस तरह से देख सकते हो कि ये कैसी लग रही है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा क्योंकि यहाँ इधर दीवार है। अब शायद थोड़ा सा आपको बेटर व्यू आ रहा होगा पहले से, और नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिलती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको कार में दो मिलती है, बट इसमें कोई कैमरा वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ पीछे से Hyundai Venue की लुक है, आप अभी देख सकते हो। भाई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है क्योंकि पीछे स्पेस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बूट आपको दिखा दूँ, बट उससे पहले कार में आपको कोई वाइपर वगैरह नहीं मिलता, वॉशर नहीं मिलता, बट आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, और इधर कोई स्पॉयलर वगैरह नहीं मिलता, बट ये डिज़ाइन थोड़ा सा स्पॉयलर टाइप ही लगता है। और बूट खोलने के लिए इस बटन को दबाने से बूट ही अपना खुल जाता है। इधर आप देख सकते हो नंबर प्लेट के लिए आपको हैलोजन लाइट्स मिलती हैं, और कार में जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, इस साइज़ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो। थोड़ा सा आपको लोडिंग लिप बेशक मिलता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अंदर बूट में कोई लाइट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको सेम प्रोफाइल मिलती है 195/65 R15, वो भी 15 इंच की ही मिलती है, बट कोई अलॉय व्हील्स नहीं है क्योंकि नॉर्मल अगर टायर्स में ही अलॉय नहीं है तो स्पेयर व्हील में कौन सा अलॉय देंगे। इधर आपको जैक वगैरह देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको दिखा देता हूँ Hyundai Venue का इंटीरियर। तो चलते हैं फ्रंट सीट पे। उससे पहले ड्राइवर साइड डोर को आपको कुछ ऐसी डुअल टोन में मिल जाती है, ये अपना टोटली हार्ड प्लास्टिक सब कुछ मिलता है, सॉफ्ट टच कुछ नहीं है। आपको चारों के चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। ORVM आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मिलता है, बट आपको ऑटोमेटिकली फोल्डेबल इसमें इलेक्ट्रिकली नहीं मिलता, लॉक अनलॉक का हो गया। और इधर आपको ये स्पीकर हो गया, और इधर आपको ऐसी डिज़ाइन में ट्विटर भी इसमें देखने को मिल जाती है। बॉटल होल्डर हो गया, ये आपको कुछ ऐसी वाइट कलर में फिनिशिंग मिल जाती है, और इसमें आपको कोई हाइट एडजस्ट का फंक्शन नहीं मिलता, और आपको मैनुअली फोर वे एडजस्टेबल मिल जाता है आगे पीछे और रिक्लाइन का। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको इधर मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर का आपको इधर मिल जाता है। अगर आप कार का हुड खोले तो आपको इसको खींचना पड़ेगा। आपको इधर एक डेड पेडल भी देखने को मिल जाता है, और इधर से आपको
की इंसर्ट करना पड़ेगा और फ्यूल लिड खोलने के लिए आपको इधर ये लीवर खींचना पड़ेगा। एसी के वेंट्स आपको इस तरह से क्रोम सराउंड में मिल जाते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन लगता है, स्पेशली ये जब टेक्सचर देख रहे हो ना, ये भी काफ़ी ठीक ठाक सा आपको देखने को मिल जाता है। अब बैठ जाते हैं अंदर, और अंदर मैं अभी एक सेकेंड सीट को फुल कर लेता हूँ पीछे, तो आपको प्रॉपर व्यू आएगा केबिन का। तो ऐसी कुछ आपको ह्युंडई वेन्यू की मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील। एक सेकंड में आपको इंफोटेनमेंट और इन सब का एनिमेशन अभी दिखा देगा। देख सकते हो कार की हुड खुली है, इसीलिए अभी यहाँ पे वार्निंग आ रही है। और स्टीयरिंग व्हील में इस तरफ आपको ऑडियो से जुड़े सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम, फिर ट्रैक अप डाउन, मोड, वॉइस कमांड, कॉल, उठाने काटने का, फेवरेट, और इस तरह से MID के सारे आपको फीचर्स यहाँ पे ही देखने को मिल जाते हैं। आपको कार में हेडलैम्प्स मिलते हैं विद ऑटोमेटिक फंक्शन, देख रहे हो सेकेंड बेस में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं। आपको इधर वाइपर के भी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एक सेकेंड में अभी इसको ऑन करता हूँ। देख सकते हो ऐसी कुछ प्रॉपर डिजिटल तरीके से आपको ग्रीट करती है, लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, फुल्ली डिजिटल, बहुत ही बढ़िया इसका डिस्प्ले है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो स्पीडोमीटर, राइट साइड पे टैकोमीटर। ब्राउज करने के लिए इस बटन को दबाइए, फ्यूल इन्फो हो गया, फिर सब कुछ इसमें, ड्राइवर असिस्टेंस, इसको अगर आप क्लिक करते हो ओके पे दबा के तो वार्निंग वॉल्यूम हो गया, सब कुछ आप देख सकते हो। क्लस्टर हो, क्लस्टर में अगर जाओगे तो क्लस्टर थीम, वाइपर लाइट्स, डिस्प्ले, सब कुछ आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। लाइट्स हो गया, फिर डोर कन्वीनियंस, मतलब बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इजीली ब्राइट ब्राउज कर सकते हो। कार में आपको TPMS भी मिल जाता है, देख सकते हो टायर प्रेशर, अगर आप कार को चलाओगे तो दिखाएगी, फिर से ब्राउज करेंगे तो आपको ये मिल जाता है। आपको टैकोमीटर भी फुल डिजिटल में मिलता है, टोटल यूनिटी आपको डिजिटल में ही मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ऐसे कुछ आपको डैशबोर्ड की डिज़ाइन मिलती है, ये भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स काफ़ी सही है, प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट टच खैर नहीं है, वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस प्राइस पे। और ऐसे कुछ आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, और आपको तो पता ही है टच स्क्रीन के मामले में Hyundai Kia को बीट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनका इंटरफेस हो गया, UI हो गया काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है। ऑल मेन्यूज़ पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो फोन प्रोजेक्शन हो गया, जैसे कि आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। आपको क्वाइट मोड भी मिल जाता है, इससे कि क्या है कि सिर्फ अगले वाले स्पीकर चलेंगे, पिछले वाले स्पीकर आपका बंद रहेगा, मतलब पीछे अगर कोई रेस्ट लेता है कोई तो उसको दिक्कत नहीं होगी। और सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, फिर वॉइस मेमो हो गया, ढेर सारे आपको सारे के सारे चीज़ें इसमें देखने को मिल जाता है। इससे रेडियो हो गया, फिर इससे आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाओगे तो आप देख सकते हो सारे के, क्लाइमेट का हो गया, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, सब कुछ आपके पास इसमें अवेलेबल है। ये भी इसका डिस्प्ले देख सकते हो, इंटरफेस, कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से इसमें देखने को आपको मिल रहा है। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो रेडियो मीडिया ऑफ, इसको FM चला देते हैं, साउंड भी आपने सुन लिया, काफ़ी क्लियर साउंड है, इसमें भी कोई शिकायत की बात नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़, इसके लिए आपको फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के लिए आप ये बढ़िया आपको मिल जाता है, ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। फिर इससे मीडिया ट्रैक हो गया, रेडियो हो गया, सब कुछ इससे आप इसको बंद भी कर सकते हो। एक बार आपने दबा दिया, होम पे पहुंच गया, और इसको पुश करके रखोगे तो इसकी बत्ती गुल हो जाएगी, इससे वापस आ जाती है। अपना ये हेजार लाइट का स्विच हो गया, ये भी आपको फुल पियानो ब्लैक डिज़ाइन में मिलता है। कार में आपको ऐसे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये अपना मोड हो गया, ये अपना फैन स्पीड एडजस्ट के लिए हो गया, और ये अपना टेम्परेचर के लिए कूल, और ये हाई। इसमें ऑटोमेटिक AC बेशक आपको नहीं मिलता, बट आपको रियर में डिफॉगर मिल जाता है। इधर आपको USB पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इधर आपको एक फास्ट चार्जिंग का भी पोर्ट मिल जाता है। इधर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, बट आपको फ़ोन रखने की जगह बेशक मिल जाती है। और ऐसे कुछ आपको गियर लीवर मिल जाती है, ये खैर थोड़ी सी अगर क्रोम में दे देते या फिर जो टॉप मॉडल वाली फिनिश आती तो मज़ा आ जाता, बट कोई नहीं, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इधर आपको सैटन फिनिश में अगेन थोड़ी सी डिज़ाइन मिल जाती है, ये अपना वाइट हो गया और नीचे ब्लैक कलर में मिल जाती है। इधर थोड़ा सा स्पेस है, आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और हैंड ब्रेक भी मैनुअल मिल जाती है, और ये भी ब्लैक कलर का ही है, इसमें कोई क्रोम वगैरह नहीं है, ऐसे कुछ हैंड ब्रेक आपको मिलती है। और ये अपना हो गया है आर्मरेस्ट, स्लाइडेबल है जी, नहीं स्लाइडेबल नहीं है, बट इसमें स्पेस भी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भी आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो, एंड इसको खोलने से आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है, ना ही कोई कूलिंग का फंक्शन, बट स्टोरेज स्पेस इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाता है। और इस तरह से कुछ आपको हैंडल मिल जाता है, ये अपना वैनिटी मिरर हो गया, कोई लाइट नहीं है, इधर माइक्रोफोन हो गया, और इस तरफ आपको कोई मिरर या लाइट वगैरह नहीं है, इस तरफ भी कोई हैंडल नहीं है,
सीट बेल्ट आपको कुछ इस तरह से मिलता है, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता, बट इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ये अपना लोअर वेरियंट ही है। तो सामने कुछ यही था Hyundai Venue में, आपको एयरबैग्स की इधर बैजिंग मिल जाती है, दो दो एयरबैग आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब सामने के सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया, इतना सारा मेरे पास नी रूम वगैरह है। अब चलते हैं पीछे, पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सब स्पेस वगैरह है। लेकिन उससे पहले अगर बोनेट विजिबिलिटी की बात करें तो मैं इसको कैमरे को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रख रहा हूँ, तो इतना मेरे को बोनेट नज़र आ रहा है, मैं कह सकता हूँ मे बी 60% ऑफ द बोनेट मेरे को विजिबल है। और हाँ, आपको इधर मैनुअल IRVM भी देखने को इधर मिल रहा है। अब चलते हैं पीछे, और पीछे का टोटल हिसाब किताब मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये आ गए हैं पीछे, पीछे का डोर आप देख सकते हो कुछ ऐसी आपको मिल जाती है, इधर आपको पकड़ सकते हो इसको, आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल आपको इधर मिल जाता है, स्पीकर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, आपको डुअल टोन में अगेन वो मिल जाता है, और ये अपना अंदर का सीट्स हो गया। अभी बैठते हैं अंदर और स्पेस चेक करवा देता हूँ। मेरी हाइट 6 feet है और आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, स्पेस पहले से बेटर है क्योंकि पहले Venue में बिल्कुल स्पेस नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्पेस इधर निकाल दिया, क्योंकि देख सकते हो स्कूप्ड आउट सीट बैक्स आपको मिल जाता है। क्या आपको मैगजीन होल्डर मिलता है इसमें? जी नहीं, बट इस साइड में आपको ज़रूर मैगजीन एक होल्डर मिल जाता है। मैं स्पेस से इम्प्रेस्ड ही हूँ, काफ़ी सही आपको स्पेस मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको शिकायत नहीं होने वाली अगर आप दोनों 6 feet के बंदे आगे और पीछे बैठते हैं। पीछे आपको बेशक AC वेंट्स मिल जाते हैं विच इज़ ग्रेट, एंड आपको दो आपको फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट मिल जाता है इधर, और हम इसमें थोड़ा सा है बट ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देने वाली है। और ऊपर आपको कैबिन लाइट्स भी इसमें हेलोजन ही मिलती है, आपको सिर्फ इधर ही मिलती है, आगे कोई केबिन लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलती। इधर अपना हैंडल हो गया और इधर भी हैंडल हो गया, बट इस साइड आपको एक इस तरह से टोइंग हुक टाइप का मिल जाता है, और ऐसा ही कुछ पीछे का एक्सपीरियंस है। क्या 3 लोग इधर बैठ सकते हैं? 3 अगर एडल्ट्स की बात करें तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, इनके लिए काफ़ी टाइट हो जाएगा, स्पेशली लॉन्ग जर्नीज की बात करें, बट अगर कोई बच्चा बीच में बैठे तो वो आराम से बैठ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, थोड़ी सी अगर बेहतर होती तो मज़ा आ जाता, बट कोई शिकायत वाली बात नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ी सी अगर होती तो मज़ा आ जाता। आपको सामने के हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, बट पीछे के आपको इसमें फिक्स मिलते हैं, और दो ही मिलते हैं, बीच में कोई आर्मरेस्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता, और इसमें कोई पार्सल शेल्फ भी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो पीछे का कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था Hyundai Venue का। कार के अगर हम एक शोरूम प्राइस की बात करें तो ये जो अपना S वेरिएंट है पेट्रोल में मैनुअल में, तो ये आपको 870,000 rupees मिल जाता है। तो अगर आपका 10 लाख तक का बजट है ऑन रोड और आप कोई सब कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान कर रहे हो, तो न्यू Hyundai Venue का S मॉडल आपके रेडार में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सही डिसेंट से फीचर्स मिल जाते हैं विद प्रैक्टिकलिटी एंड प्रॉपर लुक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं।